Evet, Emrecan haftamı götürdüm. Dekha, kitna asan tha na ye kehna. Lekin yahi kehne ke liye maine na jaane kitne din, na jaane kitni raatein aise soch soch kar bita di ki kaise rahun, kahan kahun. Aur aaj, aaj ek saans mein hi keh diya ki main tumse pyar karta hoon. हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. तुम्हें पता है, तुमसे मिलने से पहले अगर मुझे कोई ये कहता कि मुझे पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करना, तो शायद शायद मैं उसे गलत कहता, पागल कहता उसे. लेकिन आज तुमने और तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल के रख दिया. मैं सच में बदल गया हूँ. मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा और तब तक करता रहूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास आकर मुझे. माहौल ये है कि फिल्म निर्माण है और जोरा भाई मेरी फिल्म का नाम है. सामने जी, और जोरा भाई बेसिकली एक रियलिस्टिक स्टोरी पर आधारित है ये फिल्म बनने वाली है. ऐसे तो कई सारी फिल्में बनी होंगी इस टाइप की, जैसे बाजार है या तवायफों के ऊपर, लेकिन इसमें सोच थोड़ी अलग है. इस बार जो हम आ रहे हैं विद डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी, कि उस बाजार को हम बजाने वाले कौन हैं, हम लोग मेल मेंबर्स, राइट? बट हैव एनीबडी थॉट ऑफ देयर फीलिंग्स, व्हाई? एक छोटी सी लाइन है मेरी जिसमें कहते हैं कि वफा के बाजार में बेवफाओं बेवफाओं ने बजाया है. सर कैमरा देखें. वफा के बाजार में बेवफाओं ने बजाया है, वफा के मोल में बेवफा ही करते हैं. क्या बात. दिस वाज द थिंग एंड दिस इज द एंटायर कांसेप्ट ऑफ द स्टोरी. सर ऑडिशंस तो चल रहा है, आई मीन कुछ सिलेक्ट किया है किसी को अपने, या किस तरह के कैरेक्टर आप ढूंढ रहे हैं फॉर द? बेसिकली मैं जोरा भाई की तलाश में, जो अभी तक तो एक भी कैरेक्टर नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट चाहिए मुझे, कुछ मेन मेंबर्स चाहिए. हम उनकी तलाश में, क्योंकि मैं इस फिल्म में फ्रेशर्स को लेके ही काम करूँगा, ये फिक्स है. क्योंकि मुझे जितना टाइम चाहिए शायद मुझे स्टारडम्स नहीं दे सकते, जबकि मुझे मालूम है कि टू वर्क विद देम इज़ बिट ईजी, मार्केटिंग भी होगी, बेचना भी आसान हो जाएगा फिल्म को. लेकिन उन सब चीज़ को देखते हुए भी लगा कि नहीं, हम इस तरफ से चलते हैं. We'll go from this side, from the weaker side, society. सर आज यहाँ पर इतने सारे लोग आए, आपको मतलब मेन लीड के लिए आप देख रहे हैं या फिर कोई और किरदार? मैंने कहा है ना कि मैं जोरा भाई की तलाश में हूँ, इसका मतलब है कि मैं मेन लीड की तलाश में हूँ और उम्मीद है कोई ना कोई आएगा. सर क्या प्लान है, कब तक मतलब शूट वगैरह किस तरह करने वाले हैं आप? क्योंकि आप पोस्टर में देख रहे हैं कि ये मुंबई, तो आई मीन कहाँ का है पूरा लोकेलिटी, कहाँ पे कुछ शूट होने वाला है कुछ बता? बेसिकली शूटिंग्स तो इंटायर नॉर्थ इंडिया में है. बेसिकली वी विल बी शूटिंग इन मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, जहाँ बेसिकली ये बाजार हुआ करते थे किसी जमाने. ओके, स्टोरी इज अ जर्नी ऑफ तो ऑब्वियसली हम उन जगहों को भी शूट करेंगे जहाँ की ये स्टोरी रही है, जहाँ जोरा भाई ने अपने जीवन निकाले, जिया है. शी हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम कलकत्ता टू लखनऊ एंड दिल्ली, तो वो पूरी यात्रा हमें कवर करना है. मुंबई हम लोग की कर्म भूमि होने के बावजूद उन स्टेशन को भी हम कवर करेंगे. सर इसके अलावा आपने किताब भी लिखी है, तो क्या किताब के ऊपर ये फिल्म होगी? कैसे जस्टिफाई करने वाले हैं किताब को? क्योंकि कई बार जो है किताब को बड़े पर्दे पर उतारने में बहुत जन गुफ़ भी कर देते हैं, तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? हाँ, किताब तो जोरा भाई नहीं है ना, किताब तो फिल्म मेकिंग है. और फिल्म तो मैं बना ही रहा हूँ, तो मैं दिखाना चाहूँ, शायद अपना ही इम्तिहान लेने पर तुला हूँ कि जो मैं लिख चुका हूँ वो मैं करता हूँ कि नहीं. सर फ्लोर पे कब तक जाएगी फिल्म और कब तक रिलीज वगैरह? कोशिश हमारी ये है कि फ्लोर पे हम बाय मिड ऑफ नवंबर जाएं, लेकिन शायद अगर थोड़ा लेट हो सकता है, बट रिलीजिंग ऑब्वियसली सम टाइम इन दिवाली नेक्स्ट ईयर. ओके ओके. सर बहुत सी कम फिल्में बन रही है ना, आपने तवायफ का जिक्र किया, बाजार पे किस तरह से
दिखाते हैं चीजें जो बड़े पर्दे पे बहुत कम आज के टाइम में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, देयर वाज अ टाइम जब बुमराह जान रिलीज हुई थी, देयर वाज अ टाइम 70s में भी हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी है, बट इस ये आइडिया किस तरह से आया आपको और आपने सोचा कि इस तरह की फिल्म बनानी है जो आज के टाइम की होगी या जैसे भी जो भी आपने आइडिया इसलिए आया था कि रिवोल्ट ऑफ सोसाइटी, बैक इन सोसाइटी, क्या कोई जरूरी नहीं है कि तवायफ एक तवायफ है तो तवायफ ही रहेगी, ये रिवोल्ट भी हो सकता है ना, ये बैक इन सोसाइटी भी हो सकती है, तो ये थॉट तो वो है। तवायफ की ज़िंदगी में मैं बाजार नहीं दिखाने वाला, हमें कोठों पे मुजरा उजरा ही खाली होता रहे या लड़कियों का सौदा होता रहे, आई एम नॉट टचिंग दैट एंगल। और इससे ज्यादा डिटेल बोलूंगा तो सारी बोल खुल जाएगी और इट विल बी टू अर्ली टू से समथिंग। तो सर इस फिल्म में सेक्स वर्कर्स को भी नो, तवायफ तो तवायफ होती है, इट्स नॉट प्रोस्टिट्यूट, सो देयर दैट डिफरेंस एग्जैक्टली आई वांट टू पुट इट। सो सर क्या प्रिपरेशन की है आपने, कोई वर्कशॉप सर आप साइलेंट कर देंगे? सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या प्रिपरेशन की है आपने अपनी तरफ से, क्या वर्कशॉप शुरू हो चुकी है और एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, क्या प्रिपरेशन चल रही है आपकी तरफ से? अगर तैयार नहीं होते तो शायद अभी तक हम कूदते नहीं। जब प्रिपरेशन तो स्टार्ट हुई मुझे लगता है कि एक साल से ज्यादा हो गया, बिकॉज इस स्टोरी को डेवलप करने में मुझे 7 साल लगे हैं। I've taken 7 years of time to just develop the story. कहाँ से शुरू करना, कैसे शुरू करना, खाली ये था मेरे दिमाग में कि आई वॉन्ट टू मेक अ वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट, बिकॉज टिल नाउ आई एम नोन एज अ मैन ऑफ एक्शन। मेरी फिल्म में सिर्फ हीरो का काम होता था और ये मैं ये सब्जेक्ट भी एज ए चैलेंज लिया, क्यों? क्योंकि आई हैड बीन टू साइन अ फीमेल जो अच्छी रिनाउंड आर्टिस्ट हैं मार्केट की, एवरीबडी नोज हर, उनको साइन करने गया था, उन्होंने कहा था कि आपकी फिल्म में होता क्या है हीरो के सिवाय, दो गाने होते हैं, 2-3 सीन होंगे, दैट्स ऑल, तो स्टोरी क्यों सुनूं मैं आपकी? एंड दैट इंस्पायर्ड मी टू टेक अ सब्जेक्ट एंड चेंज माय इमेज। तो जोरा भाई के लिए आपने किसी को अप्रोच किया था जैसे कंगना रनावत या कोई बड़ा चेहरा विद्या बालन है जैसे? नहीं, नॉट एट ऑल। क्या लगता है आपको जोरा भाई अगर वो लोग करेंगे तो वो जी पाएंगे बखूबी जोरा भाई को? बखूबी वो लोग मजे हुए कलाकार हैं, बिल्कुल जी सकते हैं, लेकिन जोरा भाई मेरे हिसाब से स्टोरी की डिमांड थी नए चेहरे की, इसलिए आई एम गोइंग फॉर इट, क्योंकि हर आर्टिस्ट की अपनी एक इमेज होती है, जैसे अभी आप कुछ नाम लिया, दे हैव देयर ओन इमेज, ऑडियंस पहले से जानती है, उनके फैन लॉबीज को एक्सपेक्टेशन है कि शी इज सी, ये वो है, लेकिन मेरी जोरा भाई अंशुया देखी है तो मैंने सोचा क्यों ना नए चेहरे से चले, उनकी अपनी इमेज होगी। ये तो आप देख ही रहे होंगे कि कितना भीड़ लगा हुआ है और कितने सारे एक्टर्स आए हैं जो बहुत सारे काम कर चुके हैं यहाँ पे। त्रिलोका एंटरटेनमेंट एक ऐसी कंपनी है जो नए लोगों को बहुत ज़्यादा मौका दे रही है और इतने कम दिनों में इसने जहाँ जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत अच्छा काम कर रहा है ये लोग। मैं अपना पर्सनल वो बता दूं, मेरा नाम संजीव स्वराज है और मैं थिएटर से हूं, NSD रेपेट्री से हूं, रिसेंटली एक फिल्म कर रहा हूं कंगना के साथ मनी कर्णिका, उसी का ये लुक है, द क्वीन ऑफ झांसी। क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मनी कर्णिका? मैं किशन सिंह का कर रहा हूं, जो उसका मेन मिनिस्टर है उसका कर रहा हूं। इससे पहले मैंने उंगली की है धर्मा प्रोडक्शन की, उसमें भी कंगना थी। अच्छा, यहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे ऑडिशंस के लिए, कैसा लग रहा है माहौल पूरा, कुछ बताइए इसके? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली क्या है हुआ कि यहाँ जिस हिसाब से लोग ऑडिशन ले रहे हैं, अमूमन ऐसा होता नहीं है, इस तरह से लेते नहीं हैं ऑडिशन, जो प्रॉपर क्यू के साथ ऑडिशन ले रहे हैं और प्रॉपर जो जिसकी ज़रूरत जो है उस हिसाब से ले रहे हैं, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। कुछ सिलेक्शन हुआ है कुछ यहाँ पे ऑडिशन लोग जो आए हैं? ऑडिशन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छे लोगों को अच्छा काम मिलेगा और मिलना चाहिए, इसी के लिए सब संघर्ष कर रहे हैं। और इतने दूर से कोई कहीं से आए, कोई पवई से आए, कोई नाला सुपारे से आए, कहीं से आए, तो अच्छा है। मेरा नाम विंद्रेश मिश्रा है, इसके पहले मैंने 2-3 मूवी कर चुका हूँ
एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके पहले मैंने इसमें काम किया था प्रोडक्शन में रोहित शेट्टी के यहाँ पे, कबीर खान के यहाँ पे काम किया मैंने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। और ये जो त्रिलोका कंपनी है ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, और इसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राकेश रौनक सिंह, ये मतलब खुद इन्होंने ना बहुत स्ट्रगल किया है ताकि जो भी अभी नए बंदे आएंगे वो समझ सकते हैं कि बंदे मतलब बंदे लोग कैसा स्ट्रगल करके आ रहे हैं, और नए नए चेहरे को वो मतलब मौका देंगे ताकि कि वो भी लाइफ में कुछ कर सके आगे। तो आपने ऑडिशन दिया यहाँ पर क्या? अभी मैं यहाँ पे लाइन में आया हूँ, क्यों मैं खड़ा हूँ, ऑडिशन दूंगा अगर मेरा जो भी अच्छा रहेगा एक्टिंग तो शायद से मुझे भी चांस मिलेगा।